नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा था, जो अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो का एग्जाम आने वाला है 22 तारीख का, और उसके साथ साथ अगले महीने 4 या 5 तारीख को फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा का एग्जाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी दो एग्जाम आपके सामने हैं, तो आप लोग पूरा, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि पूरा जितना आपका इफर्ट है, पूरा मतलब जितना ताकत है सब लगा के आप पढ़ाई करो, ठीक है। आप ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, और एग्जाम आने के बाद दूसरे एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी जो 20-22 दिन है, या तो 25 दिन है उसके लिए, या तो 30 दिन है, जो भी दिन आपके बचा है, तो पूरा देखो, पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए अभी, और ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक ऑब्जेक्टिव पे, मानिए अभी देखिए एक ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो तो जानकारी होना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट तक ही कंप्लीट करना है फ्रेंड आपको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, मेरा 60 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था यहाँ पे, और अभी आज से 61 होने वाला है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका जितना सारे प्रीवियस पेपर है वो सब कंप्लीट करने के लिए, और उसके साथ साथ जो साइंस का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो सब आपको प्रोवाइड करने के लिए। 61 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर लाइन। देखिए, जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका आया है, एक सेकंड फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लेथ जो टर्निंग मशीन है, तो लेथ मशीन से आया है, मतलब लेथ पूरा टर्निंग से आया है। तो देखिए, कोई भी एक जॉब है, मान ली ये हमारा सिलेंड्रिकल जॉब है, तो ये हमारा सेंटर लाइन बीच में रहता है, ठीक है, पूरा सेंटर रहता है। तो इस सेंटर लाइन से ये बोल रहा है कि टूल इज सेट बिलो द सेंटर, तो ये हमारा सेंटर से, अगर ये सी मान लीजिए सेंटर है, तो टूल का अगर इस सेंटर से हम नीचे सेट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहता है, अगर रैक एंगल, यहाँ पे देखिए रैक एंगल दिया है, सारे रैक एंगल दिया, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल का भी रोल आता है, पर ये चारों ऑप्शन में ऑनली रैक दिया है। देखिए चारों ऑप्शन रैक एंगल, तो आपको यहाँ पे देखना है रैक एंगल क्या होने वाला। तो नीचे जब आता है टूल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, रैक एंगल यहाँ पे डिक्रीज होता है जब नीचे आता है, और अगर टूल ऊपर चला जाता है तो रैक एंगल इंक्रीज होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब टॉप रैक एंगल यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए पूरा ड्राइंग डायग्राम बना के आपको पूरा समझा दूंगा, अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। एक एक करके ज़्यादा समझाऊंगा तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। तो आपको ये समझ, अभी जस्ट शॉर्टकटली आप ये समझ लीजिए, अगर बिलो द सेंट्रल लाइन होगा तो डिक्रीज होगा, अगर अबव द सेंट्रल लाइन होगा, यहाँ पर मैंने बिलो की जगह अबव है, अबव द सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉप रैक एंगल इंक्रीज, और ये अभी बिलो है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर 62 नंबर देख लेते हैं, स्पेयर हज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मैथ है, और ये भी हमारा परिमिति से आया, जो हमको उसका इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेंसुरेशन। तो देखिए, एक स्पेयर मतलब एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई mm² होता है। देखिए क्षेत्रफल हमेशा mm² में आता है, क्षेत्रफल मतलब का एरिया, तो एरिया का यूनिट हमेशा आप याद रखिएगा स्क्वायर होता है, स्क्वायर में आता है, मतलब मानिए mm या तो मीटर स्क्वायर एरिया का, एरिया मतलब क्या है, लेंथ इनटू लेंथ आता है, ठीक है। दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें एरिया आता है। तो यहाँ पे देखिए, गोलक का जो टोटल एरिया दिया है वो इतना दिया है 400 पाई mm², और इसका ब्यास पूछा है, ब्यास मतलब हमारा डायमीटर। तो देखिए, मानिए ये हमारा पूरा स्पेयर है, ठीक है, ये स्पेयर है, 3D व्यू है, मतलब ये 3D फिगर है। तो हमारा एरिया फॉर्मूला क्या है स्पेयर का, तो एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला है हमारा 4πr². तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी दे दिया है 400 πmm², तो यहाँ पे मैं 4πr² इक्वल टू 400 πmm² कर देता हूँ यहाँ पे, तो पाई का पाई कट गया फ्रेंड, तो आर 4r² = 400, तो आर के साथ सॉरी 4 के साथ 400 करेंगे तो 100 आएगा यहाँ पे, तो सिंपली r² = यहाँ पे 100 आ रहा है,
अगर ये स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, रूट ओवर 100 हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू हमारा 10 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 10 देखिए ऑप्शन ए में 10 है, ठीक है। तो ये आप फ्रेंड्स मेरे नोट्स कर सकते हो। फिर देख लेते हैं 63, द टाइप ऑफ ड्रिल यूज इन जनरल पर्पज ड्रिलिंग। और देखिए ये जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है फ्रेंड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनरल पर्पज के लिए आप मान लीजिए एन ही आता है, पर एन और कहाँ कहाँ आता है, और जनरल पर्पज भी आता है लिख सकता है, नहीं तो नॉर्मल भी लिख सकता है, नॉर्मल यूज़ होता है, और ये ज़्यादातर आता है हमारा माइल्ड स्टील पे एम एस पे आता है यूज़ होता है, और हमारा लो कार्बन स्टील एल सी एस लो कार्बन स्टील में आता है, ठीक है। और ये जनरल पर्पज़ के लिए बताया, नॉर्मल पर्पज़ के लिए बताया, तो ये हमारा टाइप एन, और एच जो है पर यहाँ पे आंसर है बी। तो और भी देख लेते हैं, देखिए एफ टाइप कुछ होता नहीं है, और जो टाइप एच है उसके लिए हमारा हार्ड मेटेरियल के लिए यूज़ होता है, एच मतलब हार्ड ही मान लीजिए, ठीक है। एच का हमारा ये यूज होता है हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड एंड टेनासियस मटेरियल, और एस एस से हमारा सॉफ्ट आ जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट एंड टॉप मटेरियल, तो आपको ये सब याद रखना है कौन कौन से मटेरियल किससे यूज होता है। तो यहाँ पे 63 का मानिए, यहाँ पे जनरल पर्पज नहीं देखे, ऐसा कहता है द टाइप्स ऑफ ड्रिल यूज फॉर द लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील मतलब हमारा जो माइल्ड स्टील होता है, जो हम लोग जनरली हमारा आईटीआई में जो प्रैक्टिस करते हैं जो वर्कशॉप में। फिर देख लेते हैं 64 वाला क्वेश्चन, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल 2 3 ऑन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 3 2 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन दिया है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या हमारा निर्देशांक, तो दूसरे अतः बिंदु। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोऑर्डिनेट से आया है, कोऑर्डिनेट्स ने आपको सबको पता है दो एक्सिस रहता है, एक्सिस होता है दो एक्सिस, टू एक्सिस होता है, एक होता है हमारे एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स दो ही टू दिया है और वाई दिया है 3, यहाँ पे भी एक्स 3 दिया है वाई दिया है 3। तो देखिए आपको ये जानना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, मैं आपको एक नया जगह पे आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, देखिए आप याद रख लीजिए ये क्या पूछा, सेंटर ऑफ द सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 3 पे दिया है, ठीक है, और एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का एंड पॉइंट 3 और 2 पे दिया है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर अदर एंड पॉइंट, तो जो डायमीटर का और एक एंड पॉइंट कितना होगा, एक्स और वाई में क्या क्या होगा, एक्स में 1 माइनस 1 होगा, सॉरी एक्स में 1 या तो वाई पे माइनस 1 होगा या तो एक्स पे माइनस 1 वाई पे 1 होगा। तो देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सॉल्व के लिए, मैं इसका ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं ये इस वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आपको हर क्वेश्चन इस टाइप का हर क्वेश्चन आपका एक मार्क तो कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए जो ब्लैंक पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, तो देखिए ये ब्लैंक पेपर है, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा एक्स का लाइन है, और एक सेकंड फ्रेंड मैं थोड़ा इसमें अच्छे से बना के आपको दिखा लेता हूँ, तो आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ, तो देखिए ये हमारा 0 डिग्री आ गया, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स लाइन है, सॉरी नहीं हो रहा है, हाँ ये हमारा एक्स लाइन हो गया, ठीक है। फिर हमारा इसको कर लेंगे 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड, 0 डिग्री, हो कि नहीं रहे, नहीं फ्रेंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड छोड़िए, मैं नॉर्मली आपको हाथ से करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा ये हमारा एक्स का है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, तो लेफ्ट साइड में हम एक्स डैश बोलेंगे, नीचे बोलेंगे वाई डैश। तो मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 4, ऐसा करके 5, ये सब पॉजिटिव साइड है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 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 आएगा, मान के चलिए ये जो कोऑर्डिनेट है प्लस प्लस आएगा, तो ऊपर भी सेम हमारा 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, ठीक है। फिर अगर लेफ्ट साइड में आएंगे फ्रेंड इसका, तो -1, फिर इसका -2, फिर -3 स्टाइप है। नीचे अगर आएंगे सेम -1, फिर इसका -2, फिर इसका -3, फिर -4 आएगा, ठीक है। तो
ये हमारा प्लस प्लस कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे देखिए एक्स में माइनस हो रहा है, वाई में प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट है, ये हमारा प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखिए दोनों एक्स वाई दोनों ही माइनस है, तो ये माइनस एंड माइनस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब ये जो ये क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स में प्लस है, वाई में माइनस है, ठीक है। तो चार क्वाड्रेंट है। अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, हमारा सर्कल दिया है एक, तो देखिए सर्कल मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए नंबर कहाँ दिया क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन पूछा सेंटर ऑफ सर्कल टू और थ्री, तो एक एक करके देखते, तो एक्स वाई जो हमारा है वो सेंटर आएगा, ठीक है। तो एक्स में दो वाई में तीन, तो देख लेते हैं एक्स में दो वाई में तीन कहाँ है, तो देखिए एक्स में दो ये पॉइंट हमारा और वाई में तीन, तो ये पॉइंट, तो मैं इससे सीधा वर्टिकली लाइन दे रहा हूँ और यहाँ से सीधा वर्टिकली एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा देखिए एक्स इज इक्वल टू टू आ रहा है और वाई इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री आ रहा है, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल मान लीजिए सी। अभी दूसरे में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरे में बोल रहा है कि हमारा जो इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज थ्री टू, तो डाया का जो एक पॉइंट है तीन और दो है, ठीक है। तो डायमीटर हमारा क्या होगा, सेंटर टोटल जो हमारा देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट में रख के हम एक सर्कल करेंगे, तो सर्कल का जो डाया होगा वो डाया का जो पॉइंट होगा थ्री और टू होगा, थ्री मतलब यहाँ का देखिए ये टू है और ये हमारा थ्री है, तो इस पॉइंट में आ रहा, तो ये जो है ये डाया का एक पॉइंट है, एक्स में थ्री वाई में हमारा टू, ये जो है हमारा डाया का इंड पॉइंट, डाया इंड, ठीक है। तो डाया इंड एक्स थ्री वाई टू आ रहा है, तो डाया अगर ये मान ली इतना इतना ये सेंटर से अगर इतना आ रहा है तो ये रेडियस आ रहा है, तो ठीक ऑपोजिट में जाएगा उतना फ्रेंड, तो ऑपोजिट में अगर उतना ही जाएगा तो क्या चार में आ रहा है, देखिए चार में आ रहा है और इधर एक में जा रहा है, देखिए यहाँ से मैंने सीधा वर्टिकल क्योंकि एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा एक्स में एक्स में आएगा वन, वाई पे आएगा फोर, ठीक है। तो एक्स में वन और वाई पे फोर देख लेते कहाँ पे है या नहीं है देखना पड़ेगा, हाँ एक्स में वन वाई में फोर, तो हमारा ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये तो मैं फिर से और एक बार बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा ये जो सेंटर है हमारा एक्स में टू वाई में तीन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, तो सारा जो टोटल जो हमारा सर्कल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सर्कल इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का सर्कल आपको बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर्कल का डायमीटर है ये डाया है, ये सर्कल का हमारा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डाया है, तो ये जो डाया का एक इंड तीन दो पे आ रहा है और एक इंड एक और चार पे आ रहा है, ठीक है। और सेंटर जो है हमारा टू तीन पे आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है, मेरे को तो इजी लगता है, पर आप लोगों को अगर नया लग रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कर रिवाइज करके फिर भी आप दो बार देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हो गया ये वाला, फिर देख लेते हैं 65 नंबर। देखिए ये लेथ डॉग इज यूज पर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेथ डॉग का काम क्या होता है, ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये परफेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 66 का, इफ द मेजर डायमीटर ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड 6 mm, द पिच 1 mm, द रिकमेंडेड टैप ड्रिल डायमीटर। तो देखिए इसमें सिंपल सा हम क्या करना है कि 6 mm से माइनस पिच माइनस कर देना है, तो 6 - 1 = 5 mm, तो हमारा ड्रिल जो ड्रिल कितना में मारना पड़ेगा, 5 mm का ड्रिल मारना पड़ेगा। तो ये जो है ये 60% करेक्ट होता है, पर वही हमारा यूज होता है जनरली, यही वाला यूज होता है, ठीक है। कि डायरेक्ट हम जो मेजर डाया है, मेजर डाया माइनस हमारा पिच हो जाता है, मेजर डाया माइनस पिच, ये हमारा क्या होता है ना, ड्रिल साइज हो जाता है, ड्रिल का साइज, तो ये आपको याद रखना है। फिर देख लें 67, द पार्ट ऑफ द टैपर शंक ड्रिल व्हिच फिट इनटू द स्लॉट ड्यूरिंग मशीनिंग स्पिंडल। देखिए तो ये बोल रहा है कि टैपर शंक ड्रिल का एक कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जो कि हमारा ड्रिल का जो मशीन का स्पिंडल है उसमें एक स्लॉट है। मान लीजिए ये मशीन स्पिंडल है और यहाँ पे ऐसा स्लॉट जैसा है, तो मान लीजिए यहाँ से मैं ड्रिल एक इस ड्रिल का जो पार्ट है यहाँ पे अंदर डाल रहा हूँ, तो ये हमारा टैपर है, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा टैंग आएगा, यहाँ से दिखेगा टैंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर टैंग दिखेगा
तो ये इसका ये होल के अंदर आप क्या करोगे, ड्रिप डाल के ड्रिप में हल्का सा हमरिंग करोगे तो ड्रिल नीचे की तरफ आ जाएगा, तो टैंक बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, शैंक नहीं होगा, बॉडी नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा, तो 67 का क्या हो जाएगा, टैंक। फिर देख लीजिए 68 ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट है हमारा मीटर। फिर मीटर से हम क्या करते हैं ना, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ऐसा यूनिट का लेंथ का होगा हमारा मीटर। ऐसा यूनिट का अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पे टॉपिक में आपको सब कुछ धीरे धीरे सब मिल जाएगा जो जो आपको चाहिए। फिर देख लेते हैं 69 पे, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंजीनियर्स रूल। देखिए लीस्ट काउंट इंजीनियरिंग रूल भी बोल सकते हैं और उसका अलग से नाम बोल सकते हैं हम, हाँ स्टील रूल तो लिखा ही है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा 0.5 mm और हमारा 500 माइक्रोन भी हम बोल सकते हैं, 500 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल है, म्यू बोलते हैं। फिर देख लेते हैं 70 नंबर तक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी माइल्ड स्टील का होता है 7.8। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। और अगर डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी हमारा माइल्ड स्टील का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 7.8 ग्राम पर cm³। ये डेंसिटी है। ठीक है, पर अगर आपको पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट, आपको ये याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर cm³ होता है डेंसिटी का। ठीक है, और डेंसिटी का एक सिंपल सी भाषा ये सिंबल रहता है, इसको बोलते हैं रॉ मतलब डेंसिटी। तो ये सब आपको इतना अंदर नहीं जाना है, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा डेंसिटी के बारे में डिटेल्स तो थोड़ा बहुत वहाँ पे बता दूंगा। फिर देख लेते हैं 71, एबिलिटी ऑफ मेटल विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट। देखिए मेटल का एक धातु का कौन सा इतना क्षमता है जो कि विदस्टैंड मतलब ये आपको प्रतिरोध करता है। ठीक है, किससे, शॉक, शॉक मतलब प्रघात और संघर्ष बोलते हैं। फ्रेंड मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है, शॉक एंड इम्पैक्ट मतलब सडनली आप मानो कहीं पे हमारिंग कर रहे हो, हमार लेके सडनली आप किसी के ऊपर हमार दे के मतलब मार रहे हो, तो वो सडनली या तो विदस्टैंड शॉक बोलते हैं उसको। मेटल का कौन सा क्षमता है कि वो उसको सह सकता है, मतलब उसको रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, सहने का जो क्षमता है, उसको सिंपल भाषा में सहने की जो क्षमता है वो कौन से कारण, उसका कारण है फ्रेंड टॉपनेस। देखिए ब्रिटलनेस अगर होगा तो क्या होगा, छोटा 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 मतलब भंगुर। देखिए यहाँ पे लिखा है भंगुरता, तो भंगुरता मतलब क्या, छोटा छोटा तोड़ जाएगा, टूट जाएगा, छोटा छोटा ऐसा मतलब पार्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कांच को देखे हो, कांच को अगर आप कोई हमार देखे उसको हमारिंग करेगा तो वो छोटा छोटा टूट जाके उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। टफनेस अगर होगा तो आपको वो टफनेस उसके ऊपर मारोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रॉट आयरन है, रॉट आयरन के ऊपर हमारिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर हार्डनेस, हार्डनेस मतलब वो दूसरे मेटल को काट सकता है, कठोरता, काटने के लिए यूज होता है। और डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब सबको पता है, इसको हिंदी में बोले तन्यता, पर ये एक्चुअली यूज होता है वायर कन्वर्ट करने के लिए। ये गोल्ड में ज़्यादा होता है, गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड में, शायद 1 ग्राम गोल्ड में हम 1 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, 1 किलोमीटर वायर कन्वर्ट। तो ये थोड़ा जो गोल्ड है उसमें ज़्यादा हम डक्टिलिटी माना जाते हैं। तो अभी जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट है। फिर 72 द पॉइंट एंगल इज जनरल परपोज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है हमारा जो ड्रिल है, ड्रिल बीट है, उसका बिंदु कोण कितना होना चाहिए, जो जनरल साधारण सबके लिए यूज होता है वो हमें हो रहा 118 डिग्री। ठीक है, और धीरे धीरे अगर अगर ये एंगल बढ़ाएंगे तो वो हमारा हार्ड मेटेरियल के लिए, और एंगल अगर घटाएंगे तो सॉफ्ट मेटल के लिए, जो नरम होगा मेटल। फिर देखिए 73, ड्रिल चॉक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिल मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ आर्बर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। फिर देख लेते हैं, इफ द थ्रेड इज डेजिग्नेटेड m12 × 1.25, तो ये सिंपल सा m12 मतलब ये मेजर डायमीटर होता है और 1.28 मतलब इसका पीच होता है, तो यहाँ पे पीच ऑफ द थ्रेड पे परफेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो आप यूज़ करके दोनों पार्ट्स का जो मतलब मान लिया कोई भी एक असेंबली कर रहे हो तो दोनों पार्ट के बीच में कितना गैप है वो आप मान मतलब दूरी कितना है तो वो आप जांच कर सकते हो। तो वो उसका दूरी को जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हमारे यहाँ पे फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज का हमारा बहुत यूज होता है हमारे ऑफिस में मतलब हमारे लैब में। फिर देख लेते हैं, रेडियस गेज नहीं होगा, फिलेट गैस नहीं होगा, ड्रिल गैस तो नहीं होगा। फिर देख लेते 76, द स्पीड एट विच द कटिंग एड्स पासेस ओवर द मटेरियल व्हाइल कटिंग इज नोन। देखिए एक
स्पीड, मतलब स्पीड तो पहले आपको पता है स्पीड क्या होता है, मतलब मानिए ड्रिल का ये कटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये कटिंग पॉइंट ऐसा घूम रहा है, दो कटिंग पॉइंट है तो ड्रिल का, एक इधर घूमता है ये, मतलब मानिए ये ड्रिल का दो कटिंग पॉइंट है ऐसा घूम रहा है, तो ये कटिंग पॉइंट जो मेटल के ऊपर स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पोजेस हो रहा है उसके ऊपर से, मतलब चल रहा है, तो वो उसका उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, उस बेग को क्या कहेंगे, तो उसका बोलेंगे कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला जो होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाता है मीटर पर मिनट, ठीक है। फिर देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल होल, मानिए आपका कोई जॉब में ऑलरेडी होल कर दिया आप तुमने, मतलब कोई एक होल हो चुका है, तो उसको एक्यूरेट साइज में लाना है, मतलब मानिए 10 mm आपको आपका होल को करना है, तो आपका जो ड्रिल मारेंगे वो 9.8 mm का ड्रिल बिट मिलेगा, तो आपको जो 0.2 आपको क्लियरेंस मतलब थोड़ा सा कम होगा, तो उसको आप एग्जैक्टली करने के लिए आपको यहाँ पर रिमिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमिंग एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो जिसमें जो यूज़ करके आप 9.8 तो अगर ड्रिल मारोगे, उसके बाद आपको पूरा 10 को 10 आना है, तो 10 को 10 लाना है तो रिमिंग का यूज़ कर सकते हो। फिर देखिए द थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड का सबको पता है जो भी थ्रेड होता है उसका एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। फिर द टूल यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड इज नोन एज, जो टूल से हम एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं उसको डाई बोलते हैं, और जिस टूल से इंटरनेट करते हैं उसको टैप बोलते हैं, ठीक है। ड्रिल बोर्ड से हम तो थ्रेड नहीं कर सकते, रिमर से भी थ्रेड नहीं कर सकते, ड्रिल से हम होल कर सकते हैं, रिमर से होल को साइज हम एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर 80 नंबर देखिए द शैंक ऑफ हैंड टैप हैज 3 रिंग, देखिए एक हैंड टैप है, अभी तो देखिए टैप का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड या इंटरनल, तो टैप का यूज हमारे इंटरनल थ्रेड के लिए यूज होता है, तो जो जिस टैप में 3 रिंग होता है वो हमारा होता है बॉटमिंग टैप, उससे 2 रिंग होगा तो हमारा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब मिडिल नहीं होगा, टोटल हमारा 3 टैप है, 1 2 3, तो 3 नंबर हमारा बॉटमिंग टैप है, यहाँ पे आंसर भी बॉटमिंग टैप होगा, 2nd वाला हमारा इंटरमीडिएट होगा, और फर्स्ट टैप है, तो फर्स्ट टैप में 1 रिंग फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला, 2nd में 2 रिंग मतलब जो इंटरमीडिएट है, और बॉटमिंग में 3 रिंग, आपको ये बताने के लिए, और नहीं तो अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट टैप को देख के उसका कुछ टैप पर होता है लीड लीड में, तो वो देख के आप जो हैंड टैप है वो आपको पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स हो गया वीडियो, फ्रेंड्स टोटल 80 नंबर क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स और फिर एक नया वीडियो मतलब बनाने के लिए मुझे टाइम थोड़ा लगेगा, तो फ्रेंड ठीक है, अगर इस वीडियो पे अच्छा लगे तो फ्रेंड एक लाइक जरूर कर दो, और अगर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत टाइम कम है, मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। चलिए बाय बाय।